गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम सीटर दिसंबर 2021 के बारे में बात करेंगे। मेरा पेपर 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर रहा। सर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अपनी रियल एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन कि आपका पेपर कैसा गया, पेपर का नेचर कैसा था, कितना डिफ़िकल्ट था, कितना मॉडरेट था, वहाँ की इन्वायरमेंट कितना सपोर्टिव था या नहीं, कितना पॉजिटिव था, आपकी टेस्टिंग किस तरह से हुई और क्या क्या वहाँ लेके जाना है, अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इस सभी को एक वीडियो के माध्यम से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए, जिससे आने वाले एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनको कुछ सजेशन मिल सके और कुछ सपोर्ट मिल सके, उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। तो यह वीडियो आप सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका एग्जामिनेशन 20 दिसंबर से रिज्यूम होने जा रहा है। तो विदाउट एनी स्किप आप पूरी वीडियो कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो आप यह वीडियो कंसंट्रेशन के साथ क्यों देखेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम रहमत अली फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार। आई हैव डन माई BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड आफ्टर डैट BEd इन मैथमेटिक्स इन रेगुलर क्लास मोड। 2021 में मैंने जब BEd कंप्लीट कर लिया तो उससे पहले मुझे सीटेट का कोई चांस नहीं मिला और कोविड के वजह से सीटेट के बाद ये वाली सीटेट मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था और ऑनलाइन ये भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसके वजह से मेरे अंदर एक चैलेंज था और मुझे प्रेशर भी था कि यह सीटेट हमें किसी तरह से पास करना है, क्योंकि जब 2021 के स्टार्टिंग में जब DSSSB का वैकेंसी आया था तो उसमें मैं BEd कंप्लीट करने के बाद भी एलिजिबल नहीं हुआ था और फॉर्म अप्लाई नहीं कर सका था क्योंकि मेरे पास सीटेट नहीं था। इसीलिए यह सीटेट को मैं एलिजिबिलिटी पेपर ना समझकर एक जॉब वाली एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रीलिम्स और फर्स्ट स्टेज समझकर पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टली के साथ, ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन किया और उसके बेसिस पे मैंने पेपर दिया। पेपर अच्छा रहा तो इसी सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन में क्या लेकर जाना है। आपको कोई भी मेटल बॉडी नहीं लेकर जाना है, वहाँ मशीन में चेक हो जाता है और इंडिकेट कर देता है। बॉयस को बेल्ट भी नहीं लेकर जाना है, पेन मेटल बॉडी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। पैकेट में क्वाइन है वो चल जाएगा, आपको दिखाना पड़ेगा, देखने के बाद वो अलाउ कर देंगे। गर्ल्स को किसी भी तरह के हेयर पिन नहीं लेना है, हाथ में या किसी गर्दन में या पाँव में किसी तरह का मेटल बॉडी नहीं होनी चाहिए, कोई चैन नहीं होनी चाहिए, अगर होगा तो वहाँ पे उतारना पड़ सकता है और उतारना पड़ेगा ही, बाहर जमा करना पड़ जाएगा, इसलिए पूरी तरह से वहाँ पे इस सब से बच कर जाना है। एडमिट कार्ड, मास्क ये दोनों कंपलसरी है, सैनिटाइज़र और वाटर बॉटल ये एडमिट कार्ड पे मेंशन है, बट वहाँ आपको मिलेगा, लेकर जाएँ तो बेहतर है, ना लेकर जाएँ तो वहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम में पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा, मैंने लाइन में लगा था, मेरे हाथ सैनिटाइज किया गया था बारी बारी से। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वोटर कार्ड या लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कोई भी और एडमिट कार्ड लेकर उन्होंने मैच किया, मेरा नाम पूछा, उनसे मैच कराया, मेरा मास्क उतरवा कर मेरा फेस मैच कराया पिक्चर में और मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, ये तीन चीज़। उसके दो कदम बाद मैंने एडमिट कार्ड फिर नेक्स्ट काउंटर पे दिया, एक सर थे सिस्टम लेकर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे एडमिट कार्ड का बार कोड स्कैन किया, मेरा नाम और मेरा रोल नंबर डिस्प्ले हो गया, फिर उन्होंने लैब नंबर लिख दिया कि किस फ्लोर पे किस लैब में मेरा एग्जामिनेशन होगा। दो कदम चलने के बाद एक और मैम थी, उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड लेकर मुझे बताया कि आप सेकेंड फ्लोर पर चले जाइए। जब सेकेंड फ्लोर पर गया तो वहाँ पर एक और मैम थी गेट पर खड़ी, उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड लेकर एक एक करके रूम में कंट्रोल यूनिट सिस्टम लेकर बैठे हुए थे स्टाफ, तो वहाँ पे जाते थे, बैकग्राउंड में वाइट का पर्दा लगा हुआ था जिसके वजह से जिस पे फ़ोटो लिया जाता था, तो हर स्टूडेंट का वहाँ पे एक फ़ोटो लिया जाता था कमरा में और आँख का भी स्कैनिंग किया जाता था, लेफ्ट आई का, इसका ऐसे करके स्कैनिंग किया जाता था। ये कैमरा लगा होता था यहाँ पे और कैमरे पे रेड लाइट जलती होती थी, उस पे आपको नज़र रखना होता था। ये दोनों होने के बाद और जैसे आपका यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपके डिस्प्ले पे सिस्टम पे डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाता था राइट साइड में। इसके जस्ट दो कदम चलने के बाद फिर मैम थी, उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड लिया और मुझे बताया कि आपका फ़ला रो में फ़ला कॉलम में आपका सिस्टम है, आपका सीट है, वहाँ जाइए। जब मैंने गया तो मेरा सिस्टम नंबर लिखा हुआ था, उस पर मैंने बैठा, एग्जामिनेशन से 41 मिनट पहले मैं वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ पर जैसे ही बैठा तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज होने लगा और मैं बताऊं कि मेरा मतलब हाथ थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही थी और ये डर लग रहा था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है कैसा पेपर आएगा, क्योंकि सीटेट ने पहले बता दिया है कि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा
और एप्लीकेशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। और इस तरह मार्केट में बात ही बहुत चल रही थी, जिस तरह से डर लग रहा था। प्लस में एग्जामिनेशन से दो दिन पहले नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन भी आ गया था कि आपका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, मे बी, कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरत पड़ने पर किया जाएगा। इसीलिए 90 मार्क्स वाले प्लीज़ 90 के भरोसे ना बैठे, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं बट कम भी सकते हैं, और कम सकते हैं तो 90 लाकर भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसीलिए ये भी एक प्रेशर था। तो आप 90 से ज़्यादा का टारगेट लेकर चले और 90 से ज़्यादा ही कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। पूरी अटेम्प्ट तो पूरी 150 करें, बट 90 से ज़्यादा ही स्कोर करने की कोशिश करें। मेरा कॉन्फिडेंस जब लूज होने लगा तो मुझे डर लगने लगा कि क्या होगा, कि कैसा पेपर आएगा, कैसे पेपर दूंगा। लेकिन फिर से सोचा कि नहीं, मैंने पूरी ऑनेस्टली अपना प्रिपरेशन किया है, बुक पढ़ी है। एक बुक से मैंने तैयारी नहीं की है, डिफरेंट सोर्स से मैंने तैयारी की है। कपिल सर की वीडियोस देखी, गौरव सर ने कुछ मैथ सिखाया था, कपिल सर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया। 11 बजे रात तक उन्होंने मेरे लिए वीडियो लाइव आकर पढ़ाते थे। फिर सोचा कि ये सीटेट ना होने की वजह से मैं DSSB का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सका था, इसलिए ये सीटेट मुझे हर हाल में पास करना है। ये सीटेट मेरा सिर्फ सीटेट एलिजिबल एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि मेरी जॉब वाली एग्जामिनेशन का पहला स्टेज एज ए प्रीलिम्स, इसको मैंने प्रीलिम्स समझ कर कि ये पास करने के बाद आगे जॉब वाली एग्जामिनेशन को मेंस के तौर पे लेकर फिर आगे मैं अपना सफ़र जारी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको एक प्रीलिम्स के तौर पे ये सोचा कि नहीं, मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन की है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं लास्ट के मंथ में 12 से 13 घंटे भी पढ़ाई किया है, डे में भी और नाइट में भी जी, क्योंकि मैंने पूरा जोर लगा दिया था कि हर हाल में मुझे ये सीटेट पास करना ही है। अगर ये सीटेट मिस होता है तो अपकमिंग वैकेंसीज जो डिफरेंट स्कूल्स में जो आने वाले हैं गवर्नमेंट की वैकेंसीज, उससे मैं बाहर हो जाऊंगा। इसीलिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा प्रेशर था। तो इस बात का डर जाहिर सी बात है आप लोगों में भी होगा और मुझे मेरे अंदर भी था, लेकिन खुद को बैलेंस किया, खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया कि नहीं, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मैंने पढ़ा है। मेरे से भी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछ रहे थे, तो वहाँ पर मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया कि इसका मतलब मेरी तैयारी है। और सर भी कह रहे थे कि आपकी तैयारी है, आप अच्छे करेंगे, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले सर बताते थे कि आप अपना लॉगिन और पासवर्ड मैच करा लें। लॉगिन नंबर में आपका रोल नंबर पहले से ही रहेगा लिखा हुआ, और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY विदाउट एनी हाइफन, विदाउट एनी ऑब्लिक और फुल स्टॉप डायरेक्ट टाइप करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। जब सर बता देंगे कि साइन इन पे क्लिक करो, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका सेलेक्ट लैंग्वेज आएगा, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जिसमें आपको पेपर देना है हिंदी और इंग्लिश, एक सेलेक्ट करने के बाद रेडी, आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है, आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। राइट साइड में सबसे कॉर्नर पे आपका टाइम 150 मिनट सेकेंड वाइज डिक्रीज होता जाएगा। सबसे ऊपर CBSE CTET 2021 लिखा रहेगा, और लेफ्ट साइड में आपका टाइमिंग रहेगा, टाइमर, और राइट साइड में आपका सिस्टम नंबर रहेगा। उसके नीचे आपका एक बार में आपके डिस्प्ले पे एक ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, यह याद रखिएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, कभी कभी 3 ऑप्शन शो करेंगे, एक ऑप्शन नीचे रहेंगे तो आपको नीचे भी डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा, ऑप्शन बड़ा होने के कारण पूरा डिस्प्ले नहीं हो पाता है। और थोड़ी सी साइड में, राइट साइड में आपका ऑप्शन भी दिखाएगा जो आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे अगर आप आंसर देते हैं तो ग्रीन हो जाएगा, आंसर नहीं देते हैं तो रेड रहेगा, और रिव्यू करते हैं नेक्स्ट अगली बार देखने के लिए तो वो ब्लू हो जाएगा। इसीलिए आपको जो क्वेश्चन समझ में आएगा उसे अटेम्प्ट करिएगा, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसे प्लीज़ अटेम्प्ट नहीं करिएगा, उसे अपनी गेस के बेसिस पे एक ऑप्शन को क्लिक जरूर करना है और मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। बिना क्लिक किए मार्क फॉर रिव्यू नहीं करिएगा। अगर बाय द वे आपको चांस नहीं मिलता है बैक आने का तो वो आपका आंसर काउंट नहीं किया जाएगा। और ऑप्शन क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और बाद में आपको चांस नहीं भी मिलता है, पेपर अटेम्प्ट, पेपर फाइनल सबमिट हो जाता है तो वो आपका आंसर काउंट किया जाएगा। इसीलिए विदाउट एनी सिलेक्शन ऑप्शन आप मार्क फॉर रिव्यू नहीं करेंगे। और अपने आप को रिजिड नहीं रहना है। कपिल सर भी बताते थे कि या तो इंग्लिश या हिंदी, किसी एक में रिजिड नहीं रहना है, क्योंकि सीटेट के साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में सही होते हिंदी में गलत हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन के वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आएंगे आपको, तो आप इंग्लिश में वहाँ पर
फर्स्ट टाइम पेपर स्टार्ट होने से पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बावजूद भी हर क्वेश्चन को चेंज करने का ऑप्शन राइट साइड में कॉर्नर पे रहेगा, इंग्लिश या हिंदी। आप हर एक एक क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बाइलिंगुअल देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको एक लैंग्वेज में ना समझ में आए, प्लीज़ दूसरे लैंग्वेज में समझे। मुझे एक हिंदी का क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें लिखा था 281/2 किलोग्राम। मैंने 3 से 4 मरतबा 3/4 किलोग्राम हर बच्चे को शुगर बांटा गया, 281/2 किलोग्राम शुगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक स्कूल में, टोटल कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइन करना था। 3 से 4 मरतबा मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व किया बट आंसर नहीं निकला, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। पेपर पूरा अटेम्प्ट करने के बाद मैं दोबारा बैक आया और उसको फिर से सोचा कि मैं क्यों ना एक बार इंग्लिश देखूँ, इंग्लिश में थोड़ा समझ में अच्छा आएगा, इंग्लिश कैसा है। इंग्लिश देखा तो डेफिनेटली एरर था, इंग्लिश में लिखा हुआ था 281/2 के जगह पे 28 whole 1/2 28.5 किलोग्राम। इंग्लिश वाले इसे सॉल्व कर लिए, हिंदी वाले इसे सॉल्व नहीं कर पाए और उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की एरर की वजह से। इसलिए प्लीज़ आप दोनों लैंग्वेज में समझें, जो एक लैंग्वेज में ना समझ में आए दूसरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। अब आपके डिस्प्ले पे 5 सेक्शन रहेगा, CDP, EVS, Language 1, Language 2, Mathematics। आपको जो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है आपकी चॉइस पे है, आप जो पहले अटेम्प्ट करना चाहते उस पर क्लिक करें, उसका क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जिस सेक्शन पे आपका सबसे ज़्यादा कमांड है, जिस सेक्शन का सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन है, जो आपको सबसे ईजी लग रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें 25-30 स्कोर कर सकते हैं, उसी को पहले अटेम्प्ट करें। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका स्कोर अच्छा जाएगा, आपका पेपर अच्छा रहेगा, एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आप सही कर पाते हैं, तो वहाँ से आपका इमोशंस अच्छा हो जाएगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी, और फिर ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको पूरे 150 क्वेश्चन में सपोर्ट करेगा और आपका पूरा पेपर अच्छा जाएगा। और अगर स्टार्टिंग का पेपर आपका ख़राब हो जाता है, डिफ़िकल्ट सेक्शन सिलेक्ट करके अगर आप सही से आंसर नहीं कर पाते हैं, तो पूरा पेपर आप घबराहट में ख़राब कर लेंगे, इसलिए इजी क्वेश्चन पहले करें। उसके बाद क्वेश्चन कैसा था, कितना डिफ़िकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, क्या आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस बेस्ड था, मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन जो लोग प्रीवियस ईयर पढ़ के गए थे उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला होगा, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट थे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ऐसा लग रहा था। एटलीस्ट हर सेक्शन में मुझे लगा कि 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से था ही, इसलिए आप प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ लें। मैथमेटिक्स में भी था, EVS में भी था। EVS में मात्र एक क्वेश्चन था कि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा। ये 3-5 में नहीं है, 5-8 में है, एक क्वेश्चन था सिर्फ। उसके बाद देखा जाए तो मधुमक्खी पालन बिहार में होता है, इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, मधुबनी चित्रकला मशहूर है मधुबनी ज़िले के, ये किस स्टेट में है ये पूछा गया था। कुडुक लैंग्वेज किस स्टेट की है, झारखंड की, ये प्रीवियस ईयर का है, ये भी पूछा गया था। वेलक्रो किसने खोजा ये पूछा गया था, मलेरिया का ये कंटेंट का क्वेश्चन है बट इस पर एक पेडागोजी बनाया गया था कि मलेरिया का खोज करने वाले मलेरिया को पेट काट कर उसके ऑपरेशन किया, और इस तरह से इस स्टोरी को बच्चे के बीच बताया गया, बच्चे के अंदर टीचर का पर्पस क्या था, बच्चे के साइंटिफिक एटीट्यूड को सपोर्ट करना था, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के सपोर्ट करना था, बच्चों को इंजॉय कराना था, इस तरह के 4 क्वेश्चन थे। मेरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ है मेरे पास, जाहिर सी बात है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बाहर नहीं आ पाता है, जो एग्जामिनेशन दिया उसे कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे याद है। मैंने उन सभी क्वेश्चन हर सेक्शन में जो क्वेश्चन मेरे मेमोरी बेस्ड हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन को एज इट इज़ विदाउट एनी मॉडिफिकेशन मैं रिटेन कर लिया है, और रिटेन फॉर्म में मैं सर को सेंड कर दिया हूँ। वो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँच जाएगा और उसे आप अच्छे से आप उसे रीड कर लेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन है, एज इट इज़, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सेम जो सिलेबस था उसी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मार्केट में बात फैल रही थी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला है, CTET अब हार्ड हो गया है,
यस हार्ड है, डिफिकल्ट है, एप्लीकेशन बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन भी थे, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन भी थे, मतलब घुमाने की कोशिश किया गया था। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो आप घूमेंगे नहीं, आप क्वेश्चन समझकर आंसर को क्लिक कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में आंसर को क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तभी आपका आंसर वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, मुझे मॉडरेट लगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन थी। मेरे साथ कुछ ऐसे भी एग्जामिनिस्ट थे जो कह रहे थे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा, हो सकता है उनकी प्रिपरेशन नहीं रही हो, तो कुछ को ईजी लगा, कुछ को डिफिकल्ट लगा, इसका मतलब पेपर की क्वालिटी अच्छी थी, पेपर मॉडरेट था। ईजी भी नहीं कहा जा सकता उसे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए आप इस भ्रम में ना रहें कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को एक बैलेंस्ड वे में लेके चले, फुल्ली सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करें, एनसीईआरटी बुक पढ़ें, क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आता है। पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस्ड पे रहेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ट्रेन की टाइमिंग बेस्ड पे थी, एवरेज निकालना था, और एक प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, आपसे बन जाएगा। और इन सभी पेपर के बाद CDP जब मैं देखा तो CDP में पियाजे से 3 क्वेश्चन था जी, एक वायगोस्की के स्कैफोल्डिंग पूछा था, एक कोहलबर्ग का पूछा था, तो 5 क्वेश्चन आपके 3 थ्योरी से आ गए। आपको ध्यान दीजिए, आपको थॉर्नडाइक नहीं पढ़ना है, पाउलो नहीं पढ़ना है, स्किनर नहीं पढ़ना है, बॉन्डोरा नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़नी है। इससे आपको एक भी आउटकम नहीं मिलेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप बाद में पढ़ लीजिए, अभी एग्जामिनेशन पे फोकस करिए। इस तीनों थ्योरी को, वायगोस्की, कोहलबर्ग और पियाजे को अच्छे से कर लीजिए, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से 1 क्वेश्चन था, प्रिंसिपल से डेवलपमेंट से 1 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से 1 क्वेश्चन था, इंक्लूसिव एजुकेशन से 2-3 क्वेश्चन था, स्पेशल चाइल्ड वाली क्वेश्चन था, डिसग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया से भी क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछा हुआ था। एक बच्चे को पढ़ने में और समझने में प्रॉब्लम है, उसके अंदर क्या है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, डिसकैल्कुलिया, इस तरह से था। तो क्वेश्चन वही थे जो प्रीवियस ईयर में पहले से पूछा जा रहा है, जो सिलेबस में है वही आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सर पढ़ा रहे हैं EBS में खासकर, उससे भी हो जाएगा। एक बात और, पेपर मैंने नोटिफिकेशन मैंने देखा तो उसमें था कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस बार, मैं घबरा गया था कि कहीं मुझसे एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए और मेरा पासिंग मार्क्स रुक जाए, जिससे मैं आगे की एग्जामिनेशन ना दे पाऊँ। तो मैंने कपिल सर से कहा कि सर क्या EVS में 3-5 के अलावा 6-8 भी पूछा जाएगा, 10 तक तो आप वो भी करा दे। तो सर ने मुझे एक बात कही, गौर से सुनिएगा, सर ने कहा कि अगर आएगा भी तो 20-30% आएगा, बट 70% जो मैक्सिमम वेटेज दे रहा है उसे आप अच्छे से कर लीजिए, और उधर 20-30% अगर आएगा भी तो उसमें से आप ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बट अगर आप उस 30% को प्रिपरेशन करने की वजह से अगर इधर 70% का वेटेज छूट जाता है तो ये बेहतर नहीं होगा, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था। और यही हुआ, मात्र 1 क्वेश्चन 6-8 से थे और मैं बना दिया, कपिल सर मुझे पहले पढ़ाए थे तो मैं बना दिया, वो सॉल्व हो गया था। एल्युमिनियम उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करें, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें, सर जिस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें। उसके बाद आप एक चीज़ पे और ध्यान देंगे, मोस्टली स्टूडेंट इस चीज़ को इग्नोर कर देते, और मैंने भी इग्नोर कर दिया था, अपनी बात भी बता रहा हूँ। हिंदी की अनसीन पैसेज जो 15 मार्क्स का आता है, पोएम और प्रोज, स्टोरी रहता है और पोएट्री रहता है, स्टूडेंट सोचता है कि अरे पैराग्राफ तो रहेगा ही, क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा ही, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ से उठा कर सिर्फ वहाँ पे पेस्ट करना रहता है, हो ही जाएगा, 15 मार्क्स तो मेरे हाथ में है, 2-3 मार्क्स उसमें ग्रामर के आ जाते हैं। बट नहीं, इस भूल भलैया में, इस भ्रम में आपको नहीं रहना है। ये 15 मार्क्स का वेटेज आपको बाहर भी कर सकता है और आपको बहुत अच्छा स्कोर भी दिला सकता है, क्योंकि जैसा मुझे लगा कि CDP, मैथमेटिक्स, EBS इन सब की कंपैरिजन में हिंदी का, और हिंदी पेडागोजी के कंपैरिजन में भी हिंदी का अनसीन पैसेज थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था।
अब बता रहा हूँ कि हिंदी के पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे बट इनडायरेक्ट भी थे। क्वेश्चन ऐसा था कि आपको समझना पड़ेगा पूरी पैराग्राफ पढ़कर और उसके बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पूरी पैराग्राफ का टाइटल पूछ लिया था कि इसका शीर्षक क्या है, जबकि पैराग्राफ इतनी लॉन्ग थी कि कुछ नीचे हैड हो जाते थे, जब नीचे वाले को देखता था ऊपर चला जाता था, इस तरह से प्रॉब्लम भी होता था। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बीच से एक डिफिकल्ट उठाकर रख दिया था और पूछा था कि इसका अर्थ क्या होगा, जैसे अपना अपनापन और अपनत्व, एक वर्ड है अपनत्व निकाल के रख दिया था कि इसका मूल वर्ड क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, समास भी पूछ दिया था। इसलिए ग्रामर का भी 3-4 क्वेश्चन आता है, बट ग्रामर पे आप ज़्यादा फोकस ना करें, समास थोड़ा देख ले, संधि विच्छेद देख ले, उपसर्ग प्रत्यय देख ले, इससे 2-3 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और अनसीन पैसेज को प्लीज़ हर हाल में आप प्रैक्टिस करके जाएँ, कहीं से नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर से ही अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस कर ले, वो आपका 10-15 मार्क्स आपके हैंड में इजीली आ जाएगा, अदरवाइज़ वो आपको बाहर भी कर सकता है। उसे आप बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा पॉजिटिव मार्क्स लेकर चले, उसे इग्नोर ना करें। लैंग्वेज 2 में भी यही था, आप अनसीन पैसेज को जो भी होता है अनसीन पैसेज उसे भी सिलेक्ट करके चले, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या अदर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा फैक्टर आपके रिजल्ट में और आपके पेपर में कर सकता है। इन सब के बाद पेपर की बात बस इतना ही थी। इसके बाद बताऊं कि मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि पेपर देखता गया, क्वेश्चन सॉल्व करता गया और मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता गया और अंदर से मेरी फीलिंग आ रही थी कि अब मैं हो गया पास, अब मेरा काम हो गया, मेरी सारी मेहनत रंग ले आई, क्योंकि हर क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होता जा रहा था। 1-2 क्वेश्चन हर सेक्शन में गलत हो ही जाता, स्टूडेंट है प्लस में, हर सेकंड, हर घटता हुआ सेकंड आपकी प्रेशर को इंक्रीज करता जाएगा, हर घटता हुआ सेकंड आपकी इमोशंस पे अटैक करता जाएगा, बस आपको कंट्रोल करना है खुद को। लेकिन मेरी प्रिपरेशन की वजह से मेरा पेपर अच्छा रहा, पूरा 5 सेक्शन अच्छे से अटैम्प्ट किया और इसके साथ ही 1.5 घंटे में मैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका था। 1 घंटा बिफोर, 1 आवर बिफोर मैंने पेपर सबमिट करने की कोशिश की, सबमिट का ऑप्शन नहीं था, वहाँ जो एग्ज़ामिनर थे उनसे पूछा कि मैम सबमिट नहीं हो रहा है, मुझे सबमिट करना है, तो उन्होंने कहा कि आपको सबमिट नहीं करना है, अभी आप बैठे रहें, टाइम 1 घंटा है, अपने आप टाइम इंड होने के बाद वो सबमिट हो जाएगा। तो मेरा 1 घंटा पहले पेपर फिनिश हो गया था। 1 घंटा पास करने के लिए मैं हर सेक्शन को खोलता था और देखता था कि 30 के 30 ग्रीन है कि नहीं, पूरे 150 को ग्रीन आपको करना है, नेगेटिव नहीं है तो कभी लगा सकते हैं, हो सकता है आपका सही हो जाए। और मेरे बगल में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका टाइम शॉर्ट पड़ गया, सोचिए, क्योंकि एक ने कहा कि जब 8 मिनट मेरे बचे थे तो मैंने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते मेरा टाइम आउट हो गया, उसकी मैथ्स की 28 क्वेश्चन छूट गई, अब सोचिए उसका मार्क्स कितना होगा। मतलब टाइम किसी के लिए शॉर्ट पड़ रहा है, कोई 1 घंटे पहले कर रहा है, कोई 1/2 घंटे पहले भी कर ले रहा है, ये टोटली बेस्ड है उसकी प्रिपरेशन पे, कि उसकी प्रिपरेशन कैसी थी, कंटेंट पे उसका कमांड कितना था। इसलिए आप लोग हल्के में ना लें, अपनी प्रिपरेशन को रिविज़न करते रहें और अपने आप को कॉन्फिडेंट रहे, मोटिवेटेड रहें, सर की गाइडेंस में रहें। कपिल सर, गौरव सर और भी सर बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए, बिना किसी ज़रूरत के, और हमारे लिए, सिर्फ हमारी करियर के लिए चिंतित है और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इससे आगे भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। बस इतना ही हमारा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब टाइम आउट होगा तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट आप करेंगे तो लिखा रहेगा टोटल क्वेश्चन 150, आपको ये दोनों ही देखना है, बाकी उधर रहेगा मार्क फॉर रिव्यू, नॉट अटेम्प्ट, नॉट सीन, इस सब में 0-0 होना चाहिए, आंसर 150, टोटल क्वेश्चन 150 आप सबमिट कर देंगे, आपका पेपर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही एग्जामिनेशन है, उसके बाद आप वहाँ से आउट हो जाएंगे, अब रिजल्ट का इंतज़ार करें। तो टोटल कंक्लूजन इस पेपर का ये रहा, और मैं समराइज करके बता रहा हूँ कि पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं था, मैं मॉडरेट कह सकता हूँ। अगर आपका प्रिपरेशन है तो आपको इजी लगेगा, प्रिपरेशन नहीं है तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सिलेबस बेस्ड था, कुछ क्वेश्चन रिवाइज थे लास्ट ईयर से, और
क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे, पेडागोजिकल क्वेश्चन ठीक ठाक था। उसके बाद आपको वहाँ अपनी इमोशंस को, अपनी कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करके बैलेंस वे में रखना है। बस अपनी इमोशन और बैलेंस को आप कंट्रोल कर लिए तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। स्टार्टिंग में आपका इमोशंस लूज होगा, आपकी कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगी, बट अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। यही वो टाइम है, डेढ़ घंटा, यही सॉरी ढाई घंटा, 150 मिनट, यही वो टाइम है जो आपकी करियर में चार चांद लगा सकता है। जी, आप जैसे चेयर पे बैठेंगे अपनी सिस्टम पे, आप समझ लेंगे कि आप अपनी करियर लिखने जा रहे हैं अपनी हाथों से। उस माउस की कर्सर के जरिए हर एक एक क्लिक आपकी करियर पे इफेक्ट कर रहा है, हर एक एक क्लिक आपकी करियर को एक स्टेप आगे ले जा रहा है, हर एक एक क्लिक, हर एक एक ऑप्शन आपकी करियर को रोशन करने जा रहा है। इसीलिए अगर आप इतनी बात सोच लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपकी इमोशंस अच्छी रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पेपर दें, घबराना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। सीटेट ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज है और छोटी है, इसे आप करने के बाद इससे बड़ा जंग लड़ना है। आप पेपर पास करके आइए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, पेपर आपको जितना करना है आप उतना कर दीजिए, बाकी का काम CBSE के अंडर में है, वो रिजल्ट देगी ही। आप अच्छे से अटेम्प्ट करें 150, रिजल्ट आपका आएगा। नेक्स्ट की एग्जामिनेशन आपके लिए इंतज़ार कर रही है, 2022 की वैकेंसीज। तो बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू हमारे टीचर्स गौरव सर, कपिल सर स्पेशली, जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमें सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया, हमें गाइडेंस दी और हमें अपनी करियर को, अपनी लाइफ को समझने की सपोर्ट किया। अब खुद को इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू टू ऑल।